देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं ओखला की आवाम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से जो केंद्र सरकार की सारी एजेंसियाँ हैं वो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, बहुत परेशान किया है, और उनकी ये कोशिश रही है कि मैं किसी भी तरह से इस्तीफ़ा दे दूँ और अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दूँ और उनके खिलाफ़ गवाही दे दूँ। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया तो आज इन्होंने मुझे गिरफ़्तार कर लिया, और गिरफ़्तारी के बाद भी मैं ये आपसे यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से ओखला का काम हमने किया है वो आपसे वादा करता हूँ कि उससे बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ओखला की तमाम कॉलोनीज़ का काम करेंगे। मैं जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल जी से बात करके सारे काम को कराएंगे। हमारी यहाँ पूरी टीम को हमने जिम्मेदारी दे दी है, वो एक एक गली में एक एक घर घर जा कर के लोगों से काम पूछ पूछ करके काम कराएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे जेल में कितना भी रखें कितना भी टॉर्चर करें ना मैं इनके साथ झुकूंगा, ना टूटूंगा और ना छोड़ कर जाऊँगा। गद्दारी मेरे खून में नहीं है। मैं कल भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ। और जिस वक्त बोर्ड की ये बात करते हैं, जब मुझे ये वक्त बोर्ड मिला था इसकी क्या हालत थी, दिल्ली के सारे लोग जानते हैं ऑफिस की क्या हालत थी, कोई रेवेन्यू देने को तैयार नहीं था। तो मैंने वक्फ बोर्ड में रहते हुए दिल्ली दंगों में मजहब के बुनियाद देखे बिना, चाहे मेरे पास हिंदू भाई आया हो चाहे मुसलमान भाई आया हो, मैंने सबकी मदद की, कैंप लगाने का काम किया, और वक्फ बोर्ड में रहते हुए जो मैंने काम किए वो सब उसको जानते हैं। आज इन्होंने वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, जो स्टाफ था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो बस मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ओखला की आवाम इस बात से मुतमईन रहे कि आपके काम जिस तरह से होते आए हैं वैसे ही होते रहेंगे। जेल में रहने के बाद भी इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं मिलेगी। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप तमाम लोगों से अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ।